ट्रक वाला आया और उसने ना गाड़ी में ट्रक घुसा दिया और ये गाड़ी हमारी ठुक गई है। ये देखो, ये पूरा शीशा टूट गया, स्क्रैच पड़ गए, ये पड़ गए नीचे दे। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। गुड मॉर्निंग फैमिली, देखो क्या खूबसूरत नजारा है। गेस करो हम लोग कहाँ हैं। सुबह सुबह हम लोग आए हैं अपने नए नए घर, क्योंकि हमने सोचा था कि नवरात्रों में शिफ्ट कर जाएंगे और नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज हम यही देखने आए हैं कि क्या सच में नवरात्रों में हम शिफ्ट कर सकते हैं। आपको आपको क्या लगता है, क्या लगता है? पता लगेगा बंदर बिन तीर तुक्का क्या चलाए। आप चाहते हो हम नवरात्रों में शिफ्ट करें ना करें, पर मुहूर्त जरूर करेंगे। अगर तो सब कुछ रेडी हो गया तो 100%, अगर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कमी हुई, तो एटलीस्ट गृह प्रवेश तो कर ही लेंगे। तो इसलिए आज हम आए हैं ये देखने कि अभी क्या क्या बाकी है, और थोड़ी सी तैयारी भी करवा देते हैं, सफाई सफुई करवा देते हैं, ताकि पहले नवरात्रे हम पूजा तो कर लें एटलीस्ट। हाँ जी, आ गए हम, ये हो ही रही है। अरे यहाँ तो अभी ऐसे का ऐसे ही है एज इट इज। क्या भैया, हेलो मैम, कैसे हो? हेलो, बढ़िया बढ़िया। ये एंट्रेंस तो सही करवा लो, ग्रास लगाए मैम। अभी क्या नया क्या है, नया ये है, ये देखो गेट है ना, अब इसमें पॉलिश हो गई है, लास्ट टाइम पॉलिश नहीं थी। और वाओ, स्टेयर्स में लाइट लगी, ये नया है ना, हाँ पहले नहीं थी ये। और नया क्या है? आहो, नहीं नहीं, पहले किचन, पहले मैं किचन देखूंगी। हाँ मेन पार्ट तो यही है ना। वाओ गोल्डन शीशे लग गए, ये सबसे नया है ना, ये देखो ये नया है, ये चिमनी लग गई है, पर हमने तो गोल्डन बोली थी। गोल्डन अच्छा, गोल्डन इसके बाद फिल्म आएगी ऊपर से, वो लगेगी इसके ऊपर गोल्डन। और ये सारे लग गए, लास्ट टाइम नहीं थे ये, लास्ट टाइम नहीं था ये। हाँ अच्छा, अभी हैंडल लगने बाकी है ना, मैं इसमें थोड़ा मैसेज खुलेगी, ये वाले ये नीचे से ऑपरेट होगा। हाँ ये वो देखिए, वो आपकी मेन पेंट्री, असली पेंट्री बन गई पेंट्री। तो ये सिंगल डोर है क्या? हाँ सिंगल डोर है, ये तो बहुत छोटी नहीं है मैम, स्टैंडर्ड है ये, दो फिट की, तो मैम दो ले लो आप। दिखाओ, जगह भी तो होनी चाहिए उतनी, जगह भी तो नहीं जरूरत, ये तो स्टैंडर्ड आती है, तो ये भी तो है, ये है। नहीं नहीं, ये पेंट्री थोड़ी है, नहीं ये पेंट्री नहीं है, ये भी इसमें सेल्फ होंगी आपका, जो भी सामान रखने वाला, ये पेंट्री। वो देख सामने भी वो कलर अच्छा निकला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये तो जो हमारा वेट एरिया रहेगा उसमें सारी ये, यहाँ पे आपका सिंक आना है, वो भी अभी सिंक नहीं लगा, सिंक है इधर, हॉब है तो बन ही रहा है, हॉब तो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ कौन सा लेना है। किचन हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन उसमें असेसरीज बाकी है हमारी। हाँ पहले मास्टर बेडरूम देखो, पहले ये लग गया पूरा गेट, बहुत सुंदर लग रहा है इसका। हेलो जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ओ माय गॉड, ये तो सच में ये महाराजा वाला घर बन गया, तो इतना छोटा भी नहीं लग रहा यार मेरे को, मुझे लग रहा था हमारा रूम सबसे छोटा है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसमें भी तो आपने वो दिया था ना, ये बताना कैसे खुलेगा, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा लगा, ये तो सच में सीक्रेट प्लेस हो गई। और ये हो गया ड्रेसिंग एरिया, खुलेगा कैसे? अरे वाह, अभी हैंडल लगने आता है, हाँ जी, तो ये खुल नहीं रहा ना इसलिए। अच्छा बाथरूम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। अरे वाह, ये लग गया हमारा, पानी तो आने दो, ऑटोमेटिक है ये सेंसर, सेंसर लग गया। बेडिंग एरिया, शावर भी लग गया। बस मैम ऐसा कर दो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ना 15 तारीख तक क्लियर हो जाए, ताकि मतलब हवन कर लेंगे, ताकि हवन तो कर सके, गृह प्रवेश करवा दो हमारा। पहले हमारा ये वॉशिंग एरिया दिखा दो। हाँ बिल्कुल, आप देख लो ये वॉशिंग एरिया। ओके तो यहाँ पे ना थोड़ी सी
मेरे को प्रॉब्लम आ रही है वॉशिंग एरिया की, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दो बनाए हैं। मैंने कहा था मेरे को दो वॉशिंग मशीन रखनी है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वॉशिंग मशीन एक ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिंक भी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक वॉशिंग मशीन रख लेते हैं, एक सिंक रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बन रहा ही है सिटिंग एरिया। तो अब यहाँ पे सिटिंग एरिया बनेगा, हैंग आउट करेंगे, चिल आउट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो उसके लिए हाथ वाथ तो धोने के लिए जगह चाहिए ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हमें यहाँ पे वॉश बेसिन भी चाहिए। एल शेप में बन जाएगा टॉप पे, ये आप ऐसे ही रहने दो, नीचे ड्रॉर यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, एक सिंक के नीचे आपको फिर वॉशिंग डिटर्जेंट और ये सब रखने की जगह स्टोरेज हो जाएगी। कपड़े धुलेंगे तो सुखाने की जगह तो चाहिए ना, सुखाने की जगह तो मिल जाएगी, पर ये मैम पूरा आपका ग्रास एरिया है। हाँ। क्या इसको आपको फ्लैट कराना है पीसीसी या टाइल वाय, तो वो भी बताना पड़ेगा। वॉशिंग एरिया तो हमारा पक्का ही होना चाहिए ना, एटलीस्ट हम शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, और यहाँ पे तो हमने मेजर चेंजेस बता दिए। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी इसकी मैम गोल्डन स्ट्रिप लगने के लिए ही काम हो रहा है। घर की मेन हाईलाइट तो यही है ड्राइंग रूम हमारा। हाँ, ये तो नया है ना, ये नहीं लगा था पिछली बार। ये तो करानी जो वो बोला है, मैं बोला वो ऊपर भी बोला था ना, बोला है लास्ट टाइम आपाएंगे लग गया। आज लाइट्स जल रही है ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। होम थिएटर में क्या हुआ है, बस अभी इसकी वॉल्स पे वो फैब्रिक लगेगा ना, सिटिंग एरिया बनेगा और पीछे लगेंगी चेयर्स। होम थिएटर में तो खड़े नहीं हुआ गया, पॉलिश हो रही है ना, तो आंखों में ऐसे लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर, आई डोंट नो फर्स्ट फ्लोर किसकी है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी। ये तो पहले भी लग गए थे, लास्ट टाइम ये लग चुके थे। हाँ जी, ये इसको तैयार कराओ ताकि मंदिर। इस वॉल पे पूरे राधा कृष्ण की हमने बड़ी सारी वॉल बोला हुआ बनाने को। तो आप मंदिर पहले करवा देना ना, कलश तो, हाँ कलश तो यहीं रखेंगे ना, मंदिर पूरा करा के बाल बनवा रहा, पूरा रेडी कर दूंगा, उतना एरिया सिर्फ उतना। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा बेड, इसीलिए तो यहाँ बनाना पड़ा था। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। ये जितनी बड़ी मेरी बेटी और मेरा जवाई है, वो तो 6 आ जाएंगे इसमें। हम भी तो बैठेंगे ना साथ, वैसे भी ये मेरा ही रूम है। नहीं वैसे नीचे वाला रूम तो बहुत ही क्लासी बना है भाई, ये रूम तो सच में हवा महल है। बेड लो जी, ये बेड बन गया। हाँ ये तो पहले भी बना हुआ था ना, ये तो सारा पहले ही कंप्लीट था। ये शीशा नहीं लगा था पिछली बार, ये लग गया अब। ये नया है, देखो शीशा भी इतना क्लासी लगा है ना। बाथरूम, एक बात है, आपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों पे जकूजी लगवाया, हमारे रूम में क्यों नहीं लगवाया? बुढ़ापे में जकूजी लगा के क्या करना है? शॉर्ट का कोई मूल्य होता है बताओ? है ये तो गलत बात कर दी आपने। ये ब्लैक एरिया, हाँ जी वही तो कह रही हूँ, अब पता नहीं फर्स्ट फ्लोर किसका है, छोटे का है कि बड़े का है। सेकंड फ्लोर, पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ था सेकंड फ्लोर पे। ये देखो इधर भी बेड बन रहा है, वाह महाराजा का सिंहासन है ये। बेड बहुत सुंदर है, ये बना तो हुआ है ऐसे लगा हुआ बस। अभी सर फिनिशिंग पीछे लगेगा ना, यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप भी आएगी, ये जो है दोनों साइड खुलेगा। ये इसमें है स्पेस, किसी बेड में तो स्टोरेज मिली हमें। हाँ देख ली मैंने, खुलवा के देखा है। थैंक यू। सब में बेड में है। अच्छा जी, आप तो कह रहे थे नहीं आएगी। नहीं नहीं, सब में जितनी भी मिल रही है। ये मैम ये पूरा होना चाहिए नीचे तक। नहीं ये तो ऐसे स्लाइडिंग है ना, मूवेबल है ना ये, मतलब अगर मैं पूरा घुमा दूंगी तो वो तार अटक जाएगी, इसलिए एक ही तरफ घूमेगा बस उल्टा। ये इतना ही घूमेगा। ये भी बन गया, और ये तो लास्ट टाइम भी बना ही हुआ था, ये देख ही लिया था हमने। इसकी टाइलिंग बहुत अच्छी है, मेरी चॉइस है ना, जो जो अच्छा लगे वो क्रेडिट गोज टू मलंग साहब, बाकी तो सारा। अरे हम भी तेरे हैं भाई, तेरे को जो पसंद है तूने सब कुछ तूने किया। सिलेक्शन तो अच्छी है, हमने तो कुछ किया नहीं। सुखी भी भाई जीवन का एक ही राज है,
कि जो है मान लो ये जो था ना उसमें नहीं अच्छा लग रहा था फोटो में ना ये वाला डिजाइन फिनिश होकर ज्यादा अच्छा लग रहा था लाइट्स भी लगी नहीं है जो गैप क्योंकि ये मैंने लाइट आने मतलब ये मैंने ओके नहीं करा था क्योंकि ये मेरे को थोड़ा एंड में सर ने ओके किया था मुझे याद है ये सोफा कौन सा है सोफा ग्रे है और पफीज ब्लैक है लेकिन कारपेट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। किचन तो हमारी रेडी हो गई है तो अब हमें चाहिए किचन अप्लायंसेस तो अभी हम देखने जा रहे हैं किचन अप्लायंसेस जैसे कि ओवन माइक्रोवेव और हॉब जब हम हवन करवाएंगे तो एटलीस्ट वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित भी तो करेंगे ना कुछ तो मुहूर्त करेंगे इसीलिए ये तो चूल्हा हो गया ना इसके अंदर अंदर है वैसे ये लंबा है ये भी है फोर वाला नहीं तो बहुत चुका है तो फोर है हमारा तो दो डबल अच्छा ये फाइव वाला भी तो है मलन साहब को ये पसंद आ रहा है ये देखो ये फाइव वाला है कह रहे फाइव वाला ले पांच बर्नर लगे मैंने कहा उसमें बनना ही नहीं कुछ भी क्योंकि वो बहुत पास पास है ना तो उसके ऊपर पतीला ही नहीं रखा जाना हम किचन का सिंक ही देखते रह गए और मलन साहब ने माइक्रोवेव ओवन क्या हॉब सब कुछ घर बना रहे हैं तो कह रहे हर चीज़ होनी चाहिए तो सब कुछ डिसाइड करके पेमेंट भी कर दी और हम लोग अभी सिंक पे ही अटके हुए थे बाकी सब तो हो गया अब सिर्फ एक फ्रिज रह गई है तो मैं कह रही हूँ कि वो भी कर लेते हैं तो कह रहे हैं नहीं 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 ऑफिस चलते हैं पहले चाय पीते हैं फिर कुछ करेंगे सुबह से रात हो गई है और अब जा रहे हैं हम घर वापस 8:30 बज गए क्योंकि हमने सोचा कि जो थोड़े बहुत काम हैं पेंडिंग वो कर ही लेते हैं एक हफ्ता रह गया सिर्फ नवरात्रों में तो गृह प्रवेश तो कर ही लेना एटलीस्ट तो हमने बोल दिया उनको कि हमें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर एटलीस्ट कंप्लीट करके दें ताकि हम कलश रख लें और सबसे बड़ी बात किचन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि जिस दिन हम करेंगे मुहूर्त तो उस दिन चाय तो पीनी है ना फिर मलन साहब को चाय कहाँ से मिलेगी अगर किचन कंप्लीट नहीं होगी तो अभी देखते हैं घर जाने में हमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि इस टाइम तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है बाकी घर तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है थोड़ा थोड़ा काम रह गया हमें कौन सा सामान लेके आना है सब कुछ तो हमने नया लिया है और वो घर भी हमारा एज इट इज ही रहेगा उसको कौन सा हमने छोड़ देना है क्योंकि वो तो हमारा स्वीट होम है फाइनली घर तो हम पहुंच गए लेकिन आपको बताऊं हमारा रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वो तो मेरे ड्राइवर को पता है कहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ था सर कहाँ था ट्रैफिक पंजाबी बाग जनरल स्टोर वो तो ऑलवेज ही होता ही है तो एक ट्रक वाला आया और उसने ना गाड़ी में ट्रक घुसा दिया और ये गाड़ी हमारी ठुक गई है ये इतना बचा बचा के चलाते हैं गाड़ी मतलब इतनी स्लो गाड़ी थी फिर भी पूरी ऐसे पूरा शीशा टूट गया है और अब हमने रोकी नहीं वहाँ पे गाड़ी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था हमने कहा घर जाके ही देखेंगे तो अब आके देखा है शीशा टूटा हुआ है और नीचे पूरे स्क्रैच पड़े हैं अब बस करो अब देख लिया ना अब नहीं कुछ बोलोगे है ना नो कमेंट हाँ क्योंकि आज अपने आप से ठुकी है ना अगर बच्चों से ठुकी होती तो उनको ऐसे सुनाते इनको गाड़ी नहीं चलानी आती अब मैं जाके घर बताऊँगी बच्चों को फिर वो कहेंगे पापा आपको नहीं गाड़ी चलानी आती The next morning. रात को तो बहुत ज्यादा अंधेरा था ना तो इसलिए पता नहीं चला इसलिए मैं अब ना सुबह सुबह आई हूँ देखने गाड़ी कितनी ज्यादा डैमेज हुई है मेरे को रात को सच में इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि गाड़ी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ना और जब पीछे से आके ट्रक वाले ने मारा मैं तो एकदम दिल दहल गया मैं डर गई और इतना शिवर करने लगी मैंने एकदम से शीशा खोला और मैंने देखने लगी ऐसे तो मलन साहब ने ऑर्डर आ दिया कहते गाड़ी तो गाड़ी तेरी मुंडी भी साथ ही जानी है तो लग गई छोड़ अब निकल यहाँ से तो मतलब इतना ज़्यादा मैं डर रही थी लेकिन ये ज़्यादा तो नहीं कुछ पर ये शीशा टूट गया ये सारे स्क्रैच पड़ गए और साथ में ये सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं मतलब पूरी ऐसे घिसट ही गई ट्रक वाले ने आके बीच में ठोका ना लेकिन गाड़ी हमारी जो है ना सच में बॉडी बहुत सॉलिड है सेफ रहे भगवान जी ने हमें बचा लिया रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना